Hey guys, welcome back to my channel. आज हम जा रहे हैं बाहर to do some shopping क्योंकि ये जो ब्राइड है उसके पास कोई कपड़े नहीं है अपनी शादी में पहनने के लिए, बाकियों के पास तो है, तो इसलिए हम कपड़े खरीदने जाने हैं. एंड मैं हमेशा भूल जाती हूँ बोलना, सो प्लीज इफ यू लाइक व्हाट यू वॉच देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, शेयर एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. बट लेट्स से हाय फर्स्ट टू, वी आर गोइंग टू चांदनी चौक फॉर लहंगा शॉपिंग एंड शी इज गोइंग टू व्लॉग बिकॉज़ शी इज द ब्राइड एंड वो भूल गई थी कि हम चांदनी चौक जा रहे हैं. एंड से हाय टू निधि, फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल गाइस. Hello. और मैंने निधि के कब से लैशेस का सिर्फ ग्लॉस लगाया है मैंने, और कुछ भी नहीं लगाया है. एंड मेरी स्किन पे आई थिंक दैट वर्क्स लाइक अ चार्म. मैंने सबसे पहले वो कल लगाया था, ऐसे ही मेरी बहन के ड्रॉर्स के थ्रू ऐसे जा रही थी और मैंने देखा खूब सारे कफ्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स है एंड इट इज सो गुड, आई वुड हाईली रिकमेंड. इसका नाम इसको पता है क्योंकि आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस. आई थिंक एज नो बार है ये, मैंने ऐसे कलर देख के हां आई फील एज अनंता गेट्स द फर्स्ट सैंपल टू टेस्ट आउट. मेरे पास न्यू प्रोडक्ट का भी सैंपल है, नॉट टू फ्लेक्स बट, और मेरे को भी वो सैंपल यूज करने को मिल रहा है सब. ओके, वी विल सी यू ऑन द रोड, बाय बाय. सो आई एम फाइनली बैक इन चांदनी चौक. मैं यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आई थी इतने सालों से, चार साल पहले. कितना? आज मैं पहली बार यहाँ पे कपड़े खरीदने आया. आई हैव नेवर बॉट क्लोथ्स फ्रॉम चांदनी चौक, दिस वुड बी माय फर्स्ट टाइम. मम्मी हेलो. Basically, the whole market is a huge market just for wedding stuff. There's lehenga, sherwani, sarees, and people who just want to take you to their shop. You know, the thing is that if you don't know where to go, you can get really confused when you come to Chandni shop. So, you can check out my sister's vlog also because she's vlogging about where exactly to go, the direction and everything. And I would show you the collection, and if you are a bride to be, then what can you expect? I will try to vlog my level best. It's a little difficult for me to vlog because it's my own wedding, but I will do my best. Okay. और ऊपर चल रहा है, मेरी सांस तो वेरी फूल गई. Once a foodie, always a foodie. उससे एक्साइटमेंट हो रही है मुझे ज़्यादा. ऐसे लग रहा है वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं. अब भगवान नहीं मिले ना. शुभ सुबह. ये मोरनी बन के नाचेगी. दिस इज ऑल्सो नाइस. प्रिटी तो है, सही है. ट्राई कर सकते मनीष मल्होत्रा कह रहे थे, मनीष मल्होत्रा की ये बहुत सुंदर है. इसका क्या रेंज है भैया? बहुत सुंदर है. एक सेकंड, ये क्या काम बोलते हैं इसको? इसको दीदी जरी का काम बोलेंगे, मल्टी थ्रेड का काम बोलेंगे. बचपन से पता है मुझे बच्चों ने बुली भी किया है, ब्लैक के लिए मुझे कौवा बुलाता था. ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पहन के जाती थी. एडम्स फैमिली से इंस्पायर्ड. हाँ.
डांस क्यों कर रही है? देख रही है डांस करके। देख रहे कि डांस हो पाएगा नहीं। फिर भी थोड़ा वेट तो है। हाँ कलर इज ऑल्सो नाइस, इट्स कलरफुल येट इट्स वो बेस बेज है ना, तो उसकी वजह से वो म्यूट भी हो रहा है। तो भैया ने हमें ऊपर बुलाया है एंड यहाँ पे पूरा ब्राइडल सेक्शन ही है। अगर आप कितना अच्छा वेल वो है रैंप पे पूरा, और अगर आप अपनी शादी के लिए लहंगा पहनने वाले हैं, आई एम नॉट वेयरिंग अ लहंगा फॉर द वेडिंग ऐसी, पर अगर आप अपनी शादी पे लहंगा पहनने वाले हो तो दिस इज रियली नाइस। आप यहाँ पे वॉक करके भी देख सकते हैं चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो, कि नहीं कितना भारी है क्या। इट्स अ लॉन्ग रैंप, मिरर्स ऑन बोथ साइड, नाइस। ये शो स्टॉपर लहंगा है, बहुत सुंदर है। हाँ बहुत प्रिटी है। एलिफेंट वाला गया हुआ इसी में, बस जैसे स्वांस बने हुए उसमें एलिफेंट बना हुआ था। दिस इज सो प्रिटी। ये कितने का है भैया? ये वाला कितने का है? 75,000 का भी, बहुत सही है यार। यार इज वर्थ इट। हाँ मतलब एकदम काम देख रहे हो उसपे भरा हुआ है। अपनी ब्राइड खाल करूं। How's it? अच्छा थोड़ा मेरा स्विच आ गया। एक साल बिना मिर्ची का खाना खाके अब मैं ज्यादा मिर्ची नहीं खा पाता। मम्मी आपको वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा। फाइनली बैठिया, फाइनली कौन सा वाला आउटफिट पहन के आए? आप देखोगे कि कौन सा वाला आउटफिट है ऑन द संगीत डे यू कैन सी, और व्हाट आई कैन से इज कि इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब सब कुछ हर जगह में सेम से ही मिलता था, राइट, बट दिस वन रियली स्टूड आउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लहंगे बहुत हैवी होते हैं, तो जब वो मेरे पे ड्रेप करते हैं ना मुझे लगता है मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। डांस करना तो दूर की बात है, राइट, एंड आई लव टू डांस। उसको ध्यान में रखते हुए लहंगा चूज किया गया है जो कि बहुत प्रिटी भी है और इतना हैवी नहीं है। तो ये कला श्रृंगार है एंड दे स्पेशलाइज इन वेडिंग लहंगा साड़ीज एंड ड्रेसेस, एंड ये कचौड़ी वाले के पास है, जंग बहादुर कचौड़ी वाला। तो प्लीज आप यहाँ पे आना, अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको कचौड़ी भी खिलाएंगे। तो यस ओके, वन डाउन, फाइव मोर टू गो। अभी हम जा रहे हैं साड़ी देखने के लिए क्योंकि बिंग अ बंगाली ब्राइड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना नाम देखूं बनारसी साड़ी पहनूं, तो हम बॉम्बे साड़ी स्टोर जा रहे हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है। अभी मम्मी ने ठीक ठीक करना है, सही मैं चप्पल पहन के आती हूँ। बनारस का फैब्रिक है, उसके बाद हमने इसमें वर्क करवाया है और जिस तरह आंसू प्योर बना बढ़िया चीज है। बेटा अच्छा, ये डीप थ्रेड है, पूरी ऑल ओवर साड़ी है, ऑल ओवर, यस। ये इसका आंचल आएगा, हम भी बूटे के साथ साड़ी ड्यूट होल्ड है, बहुत बेहतरीन और डिफरेंट साड़ी है, डिफरेंट चीज है, प्योर बना प्योर लुक। ये बहुत सुंदर है बूटी, आजकल ये अनुष्का ने डाली थी, लेटेस्ट बूटी, यस इमिटेशन, यस यस अनुष्का शर्मा ने डाली थी, वही चीज है ये, मुझे काम विच वन ब्राइडल है तो डिफरेंट चीज है, ये ब्राइड के लिए बनाई जाती है,
बहुत प्यारी चीज है। आज बना इज द प्रॉपर ब्राइट ब्यूटीफुल साड़ी एकदम बेहतरीन साड़ी है। जर्कन है सिल्वर सब जर्कन लगा हुआ प्योर एकदम गोल्ड टू सिल्वर का मैचिंग किया हुआ इसमें गोल्ड एंड सिल्वर बहुत। एक ये देखो आप ये कश्मीरी जाल है उसके ऊपर काम आएगा दीदी डिफरेंट। और ये सुनिए वैसे तो टू पल्ले आते हैं जिसे थ्री पल्ला 1x1 2 थ्री पल्ला ये देखिए आप हाँ अम्बी बूटी है थ्री पल्ले के साथ वेरी यूनिक है। दिस वन टेक ये क्या रेंज है ये रेंज क्या भाई सर ब्यूटीफुल अब आपके ऊपर लगवाए आप खड़े कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। बहुत प्यारा म्यूजिक है पल्लू भी अच्छा है आंचल जो है ना आंचल वेरी डिफरेंट ये लुक देखो आप इसके पल्ले की आंचल सीधे आंचल सो नाइस ये अभी एक साड़ी उन्हें सामने रखी है बहुत मुश्किल है दैट्स गोइंग टू बी माय वेडिंग आउट यार हो गया वो प्रॉपर पर्पस से होते हैं नहीं शेपिंग पार्लर में नहीं पार्लर मम्मा से पहनने मम्मा कर रही हो तो उन लोगों का भी है आई कॉन्ट बिलीव कि मेरी वेडिंग ड्रेस मैं कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा एक्चुअली किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा कि मैं शादी करूँ मम्मी ये पे बैठी है मम्मी सबसे ज्यादा शॉक थी जब मैंने बोलता हूँ बोलते इतनी जल्दी करती हूँ शादी मेरे से ज्यादा अपसेट कोई नहीं है सो टू डा मैनी मोर टू गो ये बॉम्बे साड़ी स्टोर है यहाँ पे एक्चुअली हमने चार साड़ियों में ही फाइनल कर लिया था क्योंकि हमें जो चाहिए था उन्होंने इंस्टेंटली वो फिगर आउट करके वही दिखाने लग गए एंड मॉम को देखते ही शी वॉज लाइक दिस इज द वन फॉर यू एंड फिर टुकू ने और निधि ने तो मुझे फुल्ली कन्विंस कर ही दिया बोल के कि तुम ब्राइड हो तुम प्लेन साड़ी नहीं पहन सकते हो क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन हमेशा थोड़ा प्लेन की तरफ होता है वो जब आए तो लोग ढूंढने के लिए वो साड़ी ड्रेप करने के बाद आई थिंक फिर ही वो फील आता है ज्वेलरी एवरीथिंग एवरीथिंग बट आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी इट्स नॉट मेकिंग मी लुक ओल्ड एक मेरा that I should not look older than what I am because I've seen it happens with people so yeah okay our bridal is done सबसे main चीज ये है कि अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं आई थिंक ईटिंग फॉर अ ब्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द ब्राइड विल नॉट ईट देन शी कैन नॉट फंक्शन बिकॉज ब्राइड इज अ फूडी तो मैं एक निधि इज लाइक माई रॉक आज पूरी ब्लॉगिंग निधि ही कर रही है क्योंकि उसने बोला कि मोमेंट्स मिस हो जाते हैं जब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होते हो अनलेस कोई और आपकी करे सही भी बात सही है ये स्वीट हार्ट है हमारी और ये रोना रो चुकी है आंखें देख के पता चल रहा है इन्होंने मुझे पराया धन घोषित कर दिया लगा के दिखा सकते हैं लेकिन ट्राई करने के येलो में दिखाता हूँ मैं ये कितने का आई टेल यू एवरीथिंग ये बहुत प्यारा नहीं लग रहा बहुत ब्राइट है थोड़ा सा सटल में दिखाई सो आई थिंक दोनों मेहंदी हो गया क्योंकि दो दो मेहंदी है ओके दोनों मेहंदी हो गया संगीत हो गया हो गया और कुछ वन नॉट वेयर
That's some progress. That is some progress. What's that? अभी हम आए हैं अंकिता को दुपट्टे ही दुपट्टे हैं यहाँ पर एंड काफी काफी छोटी सी शॉप में काफी सारा सामान डिफरेंट वैरायटी है बट लुक लाइक रेड पेंटिंग तो व्हाट आर यू थिंकिंग तुम्हें क्या लग रहा है मुझे तो लग रहा है वो दिखने में मुझे सिटी लग रहा था बट दिस वन लुक रीप करने की बात ये बेटर लग रहा है दिस दिस लुक्स नाइस ये ले लेते हैं अभी हमें कृष्णा मार्केट में एंड वी आर बाइंग हल्दी आउटफिट फॉर अंकिता अंकिता अनिंदिता इट इज वेरी वेरी प्रिटी ये क्या प्राइस है दिस लुक्स रियली नाइस बहुत सुंदर सो ऑल डन एक दिन में सारी शॉपिंग कंप्लीट आउटफिट खुली अभी एक बात स्टिचिंग सब है बट एटलीस्ट सम आउटफिट्स आर डन खत्म चलो